सभा में उपस्थित तमाम प्रतिनिधिगण, आज हम लोग आपसे मिलने आए हैं और आपसे वार्ता करने आए हैं सम्राट अशोक जयंती समारोह 8 अप्रैल को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बापू सभागार में पूरे बिहार से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय नेतृत्व और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, बिहार के द्वय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, साथ ही प्रदेश के सभी नेता नित्यानंद जी, सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी, गिरिराज सिंह जी, अश्वनी चौबे जी, जो प्रदेश के तमाम नेता हैं, तमाम पूरे बिहार के मंत्री, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसद इसमें उपस्थित होंगे। इनके साथ साथ पूरे बिहार से 25,000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समारोह में उपस्थित होंगे। इसकी पूरी व्यवस्था को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ जो एक टीम बनाई गई है, जिसमें पार्टी की उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा जी, पार्टी के मंत्री रत्नेश कुशवाहा जी, रूप नारायण मेहता जी और रत्नेश कुशवाहा जी, इसके साथ साथ मंच पे जो मंच की पूरी व्यवस्था है वो अभिषेक जी देखेंगे, निशान जी देखेंगे, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह कल्लू जी देखेंगे, मनोज सिंह जी देखेंगे। यातायात और सुरक्षा में जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता आए, तो उनको पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि कुछ जो बापू सभागार में जिनको पार्किंग कर सकेंगे वो करेंगे, दूसरा गांधी मैदान में भी हम लोगों ने उनको सुरक्षित किया है कि आधा पूरा हिस्सा में हमारा पूरा यातायात की व्यवस्था रहेगी और जिसमें हम पूरे पार्किंग की व्यवस्था कर पाएंगे। कार्यक्रम स्थल के साथ साथ पूरे सज्जा का काम और कार्यक्रम के पूरे अंदर हॉल की व्यवस्था को देखने का काम डीएन सिंह जी, विनय केसरी जी, मनोज दीपू जी, पंकज बुद्धू जी देखेंगे। भोजन की भी व्यवस्था कई जगह पर हम लोगों ने किया है, एक क्योंकि रहने के लिए भी जो लोग रात में आ जाएंगे उसके लिए अभियंता हॉल, ठाकुर प्रसाद जी के हॉल में और कई माननीय विधायकों के जो सरकारी आवास हैं, प्राइवेट आवास हैं, सभी जगह इसी व्यवस्था की जा रही है। भोजन के लिए भी एक प्रबंधन टीम बनाई गई है, अजय सिंह जी, पप्पू सिंह, संजय पप्पू जी, राजेश मुखिया जी, जो गांधी मैदान के पास जो लोग होंगे उनको भोजन की व्यवस्था देंगे और पार्टी कार्यालय में भी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरे बिहार से आएंगे उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। नगर सज्जा का काम शैलेंद्र यादव जी प्लस विकास मेहता जी देख रहे हैं। आवास का काम शैलेंद्र महाजन जी, संजय कुशवाहा जी, अनिल मेहता जी देख रहे हैं। मीडिया के तमाम जो हमारे प्रभारी हैं, राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, राजू जी,
और प्रहलाद जी को विशेष तौर पर इसमें सहयोग के तौर पर रखा गया है। पेयजल में क्योंकि बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ेगी और लगातार भीषण गर्मी पड़ रहा है, ऐसे स्थिति में पेयजल के लिए भी संजय काबरा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को लगातार पानी की व्यवस्था देखते रहे डॉक्टर सचिन पिंकू मेहता जी, और पूरे प्रचार प्रसार के लिए लगभग 11 रथ पूरे बिहार में घूम रहा है और इस पूरी व्यवस्था को भी देखने का काम शशि आनंद जी विजय प्रताप जी देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी इसको इस कार्यक्रम को 2017 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहा। पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा, किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा किया जा रहा, ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो सम्राट अशोक के जयंती का समारोह का कार्यक्रम कर रही है। दूसरे किसी पार्टी का अभी तक हमको संज्ञान में नहीं है, सभी कोई ना कोई संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनको पता भी नहीं होगा कि 2016-17 में हम लोगों ने लगातार इस कार्यक्रम को किया है और हम लोग इस पर काम करते रहे लगातार। सम्राट अशोक भवन बनाया, सम्राट अशोक के नाम पर टिकट जारी किया और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होगा ये कार्यक्रम। और आपने देखा होगा कि कोई दूसरा कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं वो किसी पार्टी के कार्यक्रम नहीं है, वो व्यक्ति का कार्यक्रम। और आप देखते होंगे कि 2016 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान था जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस इतनी बड़ी व्यवस्था की गई कि आज जिस राजा ने अखंड भारत की कल्पना की थी, जिस राजा ने पूरे देश पर राज किया था और वो बिहार से आते थे, बिहार मगध के राजा थे और पूरे अखंड भारत की कल्पना की थी। इसके बाद जब मैं स्वयं भी नगर विकास मंत्री था तो सभी नगर निकायों में हमने सम्राट अशोक हॉल बनाने का निर्देश दिया, जो आज के तारीख में तारकिशोर जी इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि आज लगभग 175 जगह से अधिक जगह पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति भी दी है कि टाउन हॉल के तौर पर, जिस जगह छोटे टाउन हॉल थे, जिस जगह पर टाउन हॉल नहीं था, सभी नगर निकायों में हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन बनाने का निर्णय लिया था। बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2017 में यह निर्णय लिया कि हम सम्राट अशोक जयंती जिस दिन मनाई जाएगी इसको राजकीय छुट्टी भी मनाने का कोशिश करेंगे, इसको भी आदेश दिया गया। इसलिए साथियों, ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो इसमें आएंगे और एक विशाल कार्यक्रम पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में मनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो राजा, जिसके अशोक स्तंभ को हम प्रयोग करते हैं, अशोक चक्र को यूज करते हैं, राष्ट्र का प्रतीक है, अखंड भारत का प्रतीक है, उस राजा के गुणगान में हम पूरी कार्यक्रम को स्थापित करें।